आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर हर साल की तरह आज भी दशहरे की तैयारियों में लगी हुई है। बस्तर में दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बरसों से चले आ रहे रीति रिवाज के साथ दशहरे को बस्तर वासियों द्वारा बहुत ही ज्यादा यादगार रूप में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि इन दिनों में पूरी देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसे देखते ही बस्तर प्रशासन शासन द्वारा दशहरे की तैयारियों से पहले पूरे बस्तर वासियों को दशहरा मनाने के साथ साथ कोरोना से सावधान रहने की भी बात कही गई है। जैसे कि हर साल की तरह लगभग एक महीने पहले से बस्तर में माता की सवारी के लिए रथ बनाया जाता है। रथ इतनी बड़ी रहती है कि जिसे बनाने में लगभग एक महीना लग जाता है। इसे देखकर बस्तर में माता के भक्तों द्वारा एक महीना पहले ही लगभग 150 लोग रथ बनाने का काम करते हैं। इस बार बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए लगभग 60 लोगों से ही रथ बनवाया जा रहा है। भवानी प्रसाद पाणिग्रही ने बताया कि हर साल की तरह साल भी दशहरा को उत्सव पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ मैं 360 घर ब्राह्मण समाज का सदस्य हूँ, इसके नाते सभी बस्तर वासियों से अपील करता हूँ कि हर साल की तरह साल भी दशहरा मनाया जाए, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम सभी लोग बस्तर वासियों को सोशल डिस्टेंसिंग में पूरा ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ से लाइव टुडे न्यूज के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट। बाद भी आप लोग काम कर रहे हो? कोई तो गया, इसलिए घर के लोग घर के मारे नहीं आए आदमी, मतलब वो परंपरा का 150 आदमी था, कारण किस कर लिए मतलब किसी कारण में नहीं आया आदमी। कितने लोग आते थे पहले और अभी कितने लोग? 150 आदमी आए थे, परंपरा 150 आदमी था ना, किसी भी कम हुए हैं आदमी, लगभग अभी 50 आदमी 60 आदमी आए। उतना में काम हो जा रहा है कि दिक्कत हो रहा है? हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है। तो और आएंगे कि नहीं बाद में? तो अभी नहीं आए, घर के मारे अभी तक नहीं आए, कहाँ आएगा, जीता है कि नहीं। ऐसा है बस्तर का जो दशहरा है ये विश्व में ऐतिहासिक विश्व में ऐसा दशहरा नहीं होता जैसा हमारे बस्तर में होता है। और इस दशहरा का जो परंपरा है उस परंपरा को हमको यथावत रखने के लिए जो है उसका निर्वहन हमको करना ही पड़ेगा। इस बीमारी के डर से हम लोगों को ये चाहते हैं कि परंपरा भी बनी रहे और किसी प्रकार का जो है अपना बीमारी वगैरह से भी हम लोग वंचित रहें, ये हम चाहते हैं। और इसी कारण से जो है हमारे जितने रथ बढ़ैया वगैरह जो आए हुए हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से ये भी कहता हूँ कि जो इस दशहरा पर्व में जितने भी दूर दराज के देवी देवता आते हैं वो इस बार कम से कम आए, लेकिन कम से कम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम लोग यहाँ आकर के परंपरा का निर्वहन